जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू अवर इंग्लिश ग्रामर जर्नी आज हम स्टैंडर्ड टेंथ यूनिट फिफ्थ द हंड्रेड ड्रेसिस पार्ट वन लेसन को डिटेल में जानेंगे तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ नया सीखते हैं ये कहानी एक ऐसी संवेदनशील कहानी है कि कैसे एक गरीब युवा लड़की को उसके क्लासमेट किस नजरिए से देखते हैं वेंडा पैट्रॉन्स की एक पॉलिश लड़की है पॉलिश मतलब कि पोलैंड से बिलोंग करना जैसे हम इंडियंस इंडिया से बिलोंग करते हैं वैसे ये लड़की अमेरिका के टाउन में अमेरिकन बच्चों के साथ स्कूल जाती है स्कूल में अमेरिकन बच्चों के साथ दूसरे बच्चे वेंडा को अलग अलग अपने नज़रिए से देखते हैं क्या आप जानते हो वो वेंडा को किस नज़रिए से देखते होंगे या फिर कैसा व्यवहार करते होंगे चलिए ये स्टोरी को डिटेल में जानते हैं आज वेंडा अपनी सीट पर नहीं थी पैगी एंड मेडेलिन जो हमेशा वेंडा से मस्ती करती रहती थी उसने भी नोटिस नहीं किया आमतौर पर वेंडा लास्ट रूम में लास्ट सीट पर तेरह नंबर की सीट पे बैठती थी वो रूम के उस कोने में बैठती थी जहाँ पर अच्छे मार्क न लाने वाले लड़के बैठते थे यह कोना जहां सबसे ज्यादा मस्ती हाथापाई और सबसे ज्यादा शोर होता रहता ज्यादा गंदगी और कीचड़ भी रहता था वेंडा एक शांत और ज्यादा न बोलने वाली लड़की थी आज तक किसी ने उसकी हंसी या जोर से आवाज तक सुनी नहीं थी बस इतना ही था कोई नहीं जानता था कि वेंडा उस सीट पर क्यों बैठी थी या फिर वो बॉगिन्स हाइट से आई थी जहां पर यूजुअली सूखी मिट्टी रहती थी लेकिन वेंडा के बारे में किसी ने भी इतना सोचा ही नहीं था वो रूम के कॉर्नर में बैठी रहती वे स्कूल ओवर्स या दोपहर के समय में जब वो स्कूल से आ रही हो या मॉर्निंग में स्कूल आते वक्त ग्रुप में या दो तीन लोग उसके ऊपर हंसते रहते मतलब कि उसका मजाक उड़ाते रहते वो भी स्कूल यार्ड में कभी कभी वो चाहते कि वेंडा भी मस्ती करे दूसरे दिन वेंडा स्कूल नहीं आई लेकिन किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया लेकिन वेनसडे पैगी एंड मैडी ने जो अच्छे मार्क लाने वाले बच्चों के साथ आगे बैठती थी उन्होंने नोटिस किया कि वेंडा आज आई नहीं पैगी एक पॉपुलर गर्ल थी जिसके करली मतलब कि गुगराले बाल थे मैडी उसकी क्लोज फ्रेंड थी और वेंडा आई नहीं ये उन्होंने इसीलिए नोटिस किया क्योंकि वेंडा की वजह से उनको आज लेट हुआ था क्योंकि वो वेंडा की राह देख रहे थे बीच रास्ते में उसकी हंसी उड़ाने के लिए वो ऐसा कई बार करते थे वेंडा पेट्रोन्स की जैसा नाम थर्टीन रूम में किसी का नहीं था सबका नाम इजी था जैसे कि थॉमस स्मिथ एलन सिर्फ एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था विल बाउंस लोगों को ये नाम फनी लगता था लेकिन उतना नहीं जितना पेट्रोंस की का था वेंडा के कोई दोस्त नहीं थे वो स्कूल अकेले आती और अकेले जाती थी वो हमेशा ब्लू रंग का पुराना ड्रेस पहनती थी वो उसे ठीक से आता भी नहीं था ड्रेस क्लीन था लेकिन लगता था जैसे कभी प्रॉपरली आयन किया ही नहीं उसका कोई दोस्त नहीं था फिर भी सारी लड़कियां उसकी बातें करती रहती सम वो सारे इकट्ठा होकर उसे घेर लेते जब वो छोटे बच्चों को हॉपस्कॉच खेलते देख रही हो पैगी बड़े नम अंदाज से जैसे मिस मैसन से बात कर रही हो वेंडा से कहती वेंडा तुम्हारे पास कितने ड्रेस है जो तुमने अपनी अलमारी में छुपा कर रखे हैं? वेंडा कहती हंड्रेड सारे चौक जाते हैं छोटी लड़कियाँ खेलना तक बंद करके उनकी बातें सुनने लगती है पैगी कहती है सारे सिल्क के हैं वायोलेट भी वांडा हमें जवाब देती है और वहाँ से चली जाती है अब उसके जाते ही सारे उसकी मजाक करने लगते हैं और जोर जोर से हंसते हैं उनको लगता है वेंडा झूठ बोल रही है उन्हें लगता है वेंडा एक स्टोरी बना रही है पैडी और मैडी को लगता है कि ये सब वेंडा का रचाया हुआ खेल है वेंडा वहाँ से अकेली जा चुकी है पैगी इतनी क्रूअल नहीं थी वो छोटे बच्चों को दूसरे बड़े बच्चों की सैतानी से बचाती लेकिन जब कोई उसे पूछता क्या तुम वेंडा के साथ क्रूअल नहीं हो तो वो सरप्राइज होकर कहती क्यों एक लड़की मेरे पास हंड्रेड ड्रेस है ऐसा झूठ बोल रही है कोई उसे समझाओ कि झूठ बोलना बंद करे वो एक सामान्य लड़की है अब मैडी का रोज का काम हो गया था कि वेंडा को ड्रेसिस हेड्स और फलाना ढिकाना पूछती रहे और उसे परेशान करती रहे मैडी खुद एक गरीब लड़की थी वो और किसी के दिए हुए कपड़े पहनती थी जब कभी पैगी उसे ऐसा सवाल करती तो वो किसी न किसी चीज़ का बहाना रहती थी कभी कभार उसे वेंडा के लिए हमदर्दी होती उसे डर लगता रहता था कि शायद ये लोग मेरे साथ भी वेंडा का जैसा व्यवहार करेंगे लेकिन वो वेंडा जितनी गरीब तो नहीं थी फिर भी उसे लगता था होप पैगी वेंडा को परेशान करना बंद कर दे आज फिर से उन्हें स्कूल में आने में देरी हुई फिर भी मैडी खुश थी कि आज उन्होंने वेंडा का मजाक नहीं बनाया मैडी उसके अपने ख्यालों में खोए हुए एरिथमेटिक का प्रॉब्लम सॉल्व करने लगी थी ऐसा लगता था कि वो कभी हिम्मत जुटा कर कह नहीं पाएगी कि पैगी वेंडा को परेशान करना बंद करो अपने ख्यालों में खोए खोए वो सोचने लगती है कि पैगी का पुराना ड्रेस उसने पहना है और कोई पहचान ना सके इसीलिए उसकी माँ ने उसे नया रूप दिया है मैडी सोचती है कि पैगी अगर चाहे तो वेंडा को परेशान करना बंद कर सकती है फिर भी वो सोचती है कि पैगी उसकी बेस्ट फ्रेंड है पैगी बेस्ट लाइक गर्ल है पूरे क्लास की और सबसे प्रेटी है और जो बुरा है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकेगी वेंडा एक ऐसी लड़की जो बॉगिंग हाइट में रहती और स्कूल में अकेली डरी हुई उसने आज तक सिर्फ हंड्रेड ड्रेस की बात की थी मैडी को अभी भी याद है कि एक बार उसने पैल ब्लू कलर के ड्रेस की बात की थी और जंगल ग्रीन कलर के ड्रेस की और लड़कियों ने उसे कहा था कि तुम उसमें क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी मैडी वेंडा के हंड्रेड ड्रेस के बारे में सोच के सोचती है कि अब कंपटीशन कौन जीतेगा लड़कियों के लिए यह कॉन्टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था लड़कों के लिए सिर्फ बोट्स पैगी ही जीतेगी क्योंकि वो सबसे अच्छा ड्राइंग करती थी पूरे क्लास में ऐसा सब सोचते थे पैगी कोई मैगजीन में किसी फिल्म स्टार का कॉस्ट्यूम ड्रॉ करेगी और जीत जाएगी वेल देखते हैं कल कौन जीतता है नेक्स्ट डे थोड़ी बारिश होती है मैडी और पैगी पैगी की अम्ब्रीला लेकर आते हैं जाहिर सी बात है आज के इम्पोर्टेंट डेट के लिए वो वेंडा को परेशान करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज का दिन इंपॉर्टेंट है उनके लिए क्योंकि आज विनर अनाउंस होगा पैगी मैडी से पूछती है क्या आज मिस मैसन विनर अनाउंस करेंगे मैडी कहती है आशा है आज ही कर दे मुझे पूरा यकीन है तुम ही जीतोगी पैग पैगी so, कहती है उनके क्लासरूम में एंटर होते ही वो देखते हैं कि चारों ओर डिजाइनर ड्रेसेस के वॉलपेपर लगाए हैं लगभग लोग आपस में घुस कर रहे थे जैसे क्लास शुरू हुई मिस मैसन विनर अनाउंस करती है बॉयज में जैक बैगन्स जीता उसने आउटबोर्ड मोटर की डिजाइन बनाई थी और ट्वेल्व नंबर के रूम में बाकी लड़कों के स्केचेस के साथ रखी थी अब गर्ल्स के विनर की बारी आती है मैम कहते हैं वैसे तो एक दो ही स्केचेस आए थे लेकिन एक लड़की ने लगभग हंड्रेड स्केचेस ड्रॉ किए रूम नंबर तेरह को उसके ऊपर नाज होना चाहिए सारे जजिस को उसके स्केचेस अच्छे लगे मुझे कहते बड़ी खुशी हो रही है कि वो लड़की वेंडा है वेंडा इज़ द विनर बदकिस्मती से वेंडा आज और पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं आई और ऐसा कोई नहीं है जिसे हम ये मेडल दे सके आशा करते हैं वेंडा कल स्कूल आए क्लास अब आप शांति से सारे स्केचेस बिना आवाज किए देख पूरे क्लास में मानो सन्नाटा छा गया बॉयज को तो मानो मस्ती करने की छुट्टी मिल गई बॉयज विसल करते हैं उनको ड्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था मैडी धीरे से पैगी को कहती है क्या ये वही ब्लू ड्रेस नहीं जिसकी वेंडा बात कर रही होती है पैगी हाँ मैं जवाब देती है और कहती है ये ग्रीन वाला और मुझे लगता था कि मैं ड्राइंग अच्छे से कर सकती हूँ और बड़े नाट्यात्मक रूप से स्टोरी का पहला पार्ट यहाँ पे एंड होता है आशा रखता हूँ मेरे द्वारा की गई स्टोरी नरेशन आपको अच्छी लगी होगी फिर मिलेंगे स्टोरी के पार्ट टू के साथ तब तक के लिए भारत माता की जय